आज मैं आप सभी के लिए वेज पिज्जा की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये पिज्जा खाने में बिल्कुल मार्केट की पिज्जा जैसी लगती है। तो मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगी कि बिना ओवन और ईस्ट के पिज्जा घर में कैसे बनाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले पिज्जा के लिए डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ, 2 बड़ा चम्मच दही लेंगे, दही फ्रेश ही होना चाहिए, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, 1/2 टीस्पून पिसी हुई चीनी लेंगे और 1/4 टीस्पून नमक ले लेंगे और सभी को मैदे में अच्छे से मिला देंगे। इसमें हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसलिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग स्किप ना करें। तो सभी को अच्छे से मैदे में मिला देंगे। तो ये देखिए सब कुछ मैदा में बहुत अच्छे से मिल चुका है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो तैयार कर लेंगे। 1 से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे और इसका एक चिपचिपा सा डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसा ही डो तैयार करना है, थोड़ा स्टिकी इस तरह से। अब इसमें 1 चम्मच तेल लेंगे और डो के चारों तरफ इसे लगा देंगे और डो को नीचे साइड से इस तरह से टक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से डो को टक कर देंगे और इसे कवर करके 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि मैदा थोड़ा फर्मेंट हो जाए। जब तक डो फर्मेंट हो रहा है इधर हम लोग इंस्टेंट पिज्जा सॉस बना लेंगे। तो यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच सेजवान सॉस ले रही हूँ, इसमें 2 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच ओरिगैनो, 1 छोटी चम्मच मिक्स हर्ब्स, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून नमक, नमक का इस्तेमाल कम ही करेंगे क्योंकि सॉस में पहले से नमक होता है, और 1/4 टीस्पून रेड चिली का पाउडर ले लेंगे। अच्छे से मिला देंगे इसे। रेड चिली पाउडर की जगह आप रेड चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्द ही मैं पिज्जा सॉस का एक डिटेल वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए इंस्टेंट पिज्जा सॉस बनके रेडी हो गया। तो अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। 1 घंटा हो चुका है, अब डो को अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो इस तरह से मसलते हुए इसे चिकना कर लेना है। और ये देखिए डो अच्छे से चिकना हो चुका है और पिज्जा बनाने के लिए डो बिल्कुल रेडी है। तो ये रहा हमारा देसी ओवन। तो सबसे पहले कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे, जैसे ओवन को प्रीहीट करते हैं ना वैसे ही। तो कढ़ाई के बेस में नमक रख देंगे, ये मेरा यूज किया हुआ नमक है इसलिए इसका कलर ऐसा लग रहा है। और नमक के ऊपर एक स्टैंड रख देंगे, अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप एक कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कढ़ाई को 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक के प्रीहीट कर लेंगे। तो कवर कर देते हैं इसे। अब एक प्लेट लेंगे और उसमें ऑयल को चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। आपके पास अगर पिज्जा ट्रे हो तो आप उसका इस्तेमाल करें। तो ये देखिए ऑयल अच्छे से स्प्रेड हो चुका है, तो अब इसे साइड में रख देंगे। अब पिज्जा के लिए बेस रेडी कर लेंगे। तो मैं पूरे डो का 1 पिज्जा बना रही हूँ। थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे, मैदा की जगह आप मक्के का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हल्का मोटा बेल लेंगे। बीच बीच में हाथ से ही प्रेस करते रहेंगे ताकि इसे स्प्रेड करने में आसानी हो। अब पिज्जा के बेस को प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे प्रेस करते हुए अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए इस तरह से फैला लेना इसको। अब साइड से प्रेस करते हुए हल्का गड्ढा बना लेंगे। इस तरह से अब कांटे वाली चम्मच लेंगे और पिज्जा के बेस में चारों तरफ होल कर देंगे ताकि बेक करते टाइम पिज्जा बेस बीच से ना फूले, जैसे मार्केट का पिज्जा बेस आता है ना वैसे ही। तो ये देखिए पिज्जा के लिए बेस बनके रेडी हो चुका है।
बेस के ऊपर पिज्जा सॉस अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से। और यहाँ मैं ग्रेटेड मोज़रेला चीज यूज कर रही हूँ, तो इसे भी अच्छे से फैला देंगे। सब्जियों में मैं यहाँ हरा शिमला मिर्च ली हूँ, प्याज, स्वीट कॉर्न और पनीर। तो सभी सब्जियों को पिज्जा बेस के ऊपर लगा देंगे। तो ये देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ सब्जियों को। तो सबसे पहले प्याज रख देंगे। आप इसमें टमाटर या दूसरे कलर की शिमला मिर्च भी यूज कर सकते हैं ताकि पिज्जा बेस दिखने में और कलरफुल लगे। तो अब स्वीट कॉर्न को रख देंगे। घर में प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च तो हमेशा रहता है, तो उससे भी आप पिज्जा बना सकते हैं। और लास्ट में इसमें पनीर को रख देंगे। अगर आप लोगों को चीज़ ज़्यादा पसंद हो तो सब्जियों के ऊपर चीज़ की एक लेयर और लगा सकते हैं। तो ये देखिए बेस बन के रेडी हो गया। अब इसके ऊपर मिक्सअप डाल देंगे, थोड़ा सा ओरिगैनो डाल देंगे और लास्ट में चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब इसे बेक कर लेते हैं। 10 मिनट के बाद कढ़ाई अच्छे से प्रीहीट हो चुका है, तो अब इसमें सावधानी से पिज्जा को रख देंगे। थोड़ी सावधानी से ही रखेंगे क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसे 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर करके बेक कर लेंगे और बीच में 15 मिनट के बाद आप पिज्जा को एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए 25 मिनट हो चुका है और पिज्जा देखिए कितने अच्छे से फूल चुका है। तो पिज्जा अच्छे से बेक हो चुका है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। पिज्जा के ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो और मिक्सअप्स को डाल देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। पिज्जा को नाइफ से कट कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास पिज्जा कटर हो तो उसका इस्तेमाल करें। दूसरे साइड से भी काट लेंगे इसे। और एक पीस आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से बेक हुआ है। पीछे से भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कलर, लाइट गोल्डन कलर, बहुत अच्छे से बेक हुआ है पिज्जा, बिल्कुल मार्केट की पिज्जा की तरह, और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब। तो आप लोग भी इस पिज्जा की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ।